ओम प्रकाश राजभर की एक तस्वीर वायरल। तस्वीर को देखेंगे तो यही कहेंगे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ खेला हो गया। अब तो राजभर वही सोच रहे होंगे जैसा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दावा करते आ रहे। एक तस्वीर ने राजभर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है पूरी सच्चाई बता दी। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ इस लोकसभा चुनाव में खेल हो गया, अगर ये कहा जाए तो इससे नकारा नहीं जा सकता। एक तरह से बीजेपी के साथ जाकर ओपी राजभर ने बड़ी गलती कर दी। जो नहीं खोना था उन्हें बीजेपी से दोस्ती कर वो खो रहे। अब इस बात का शायद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को एहसास हो चुका है। एक तस्वीर ने इस दावे की तस्दीक कर दी है। इस तस्वीर में जिस तरह से राजभर के चेहरे पर उदासी है, आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होगा पूरी कहानी ये तस्वीर कह रही। अब तो राजभर वही बात कहना चाह रहे होंगे जो सपा अखिलेश यादव कह रहे। अखिलेश के दावे से सुर मिलाकर ओपी राजभर जरूर कहना चाहेंगे जो दावा किया जा रहा है वो फर्जी है, वो धोखा है, उसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं। कुल मिलाकर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ खेल तो हो गया, दावा तो यही किया जा रहा है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने सोची समझी रणनीति के तहत ओपी राजभर के बेटे को घोसी से चुनाव लड़ाया। ये जानते हुए इस सीट से ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर का जीतना नामुमकिन है, क्योंकि इस लोकसभा सीट का जातीय गणित ही कुछ ऐसा है। अगर बीजेपी चाहती तो अरविंद राजभर को सेफ सीट के तहत चंदौली सीट से चुनाव लड़ा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहां पर राजभर समाज के लोग अच्छी खासी आबादी में हैं। अब उस तस्वीर को देखिए। एग्जिट पोल आने के बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने उनके आवास पर गए। इस तस्वीर में दोनों एक दूसरे से गंभीरता से बात करते दिख रहे हैं। तस्वीर में ओपी राजभर को देखकर ऐसा लगता है कि वो टेंशन में हैं। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि इस लोकसभा चुनाव को वो हारने वाले हैं। एग्जिट पोल भी यही दावा कर रहा। घोसी में तमाम प्रयासों के बाद भी अरविंद राजभर को ओम प्रकाश राजभर हारने से नहीं रोक पाए। एग्जिट पोल के मुताबिक अरविंद राजभर को सपा प्रत्याशी राजीव राय मात देने में कामयाब हो गए हैं। अब शायद ओम प्रकाश राजभर भी अखिलेश की तरह ये कह रहे हों ये एग्जिट पोल तो फर्जी है, एक तरह से धोखा है, इस एग्जिट पोल में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। आपको बता दें कि यूपी की घोसी लोकसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर सपा ने राजीव राय को टिकट दिया है। सुभाषपा प्रमुख ने अपने बेटे को जिताने के लिए दिन रात जमकर प्रचार किया। इस सीट पर 1 जून को वोटिंग हुई। माना जा रहा है कि यहां सपा और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला है। तमाम एग्जिट पोल के मुताबिक योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी सीट पर हारते दिख रहे। ओम प्रकाश राजभर के लिए इस सीट को बचाना नाक का सवाल था। अब एग्जिट पोल ये कह रहा है अरविंद राजभर घोसी से हार रहे हैं, तो दावा किया जा रहा एनडीए में उनकी भूमिका पर इसका असर देखने को मिलेगा। शायद उन्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ जाए, क्योंकि इससे पहले घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी पूरी ताकत लगाने के बाद बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे दारा सिंह चौहान हार गए थे। बावजूद इसके भाजपा ने चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को यूपी सरकार में मंत्री बनाया, लेकिन पिछली बार की तरह ओम प्रकाश राजभर कमाल नहीं दिखा पाते तो बीजेपी का विश्वास उनकी राजनीति से कम होगा ही। अब वायरल हो रही तस्वीर इस बात के संकेत दे रही कि ओम प्रकाश राजभर की राजनीति के साथ कुछ बड़ा खेल होने वाला है।